हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो हमने लास्ट वीडियो में पोएम की थी स्टूडेंट, द लोटस। और लोटस मींस कमल का फूल होता है स्टूडेंट, और इसकी जो पोएटेस है वो है तोरु दत्त। स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पर फोकस करना कि नेम ऑफ द पोएम द लोटस, लोटस इसका नाम है और इसको क्या कहते हैं, कमल। और इसकी जो कवित्री है, पोएटेस है, वो है तोरु दत्त। वो कौन है? तोरु दत्त। तो हमें स्टूडेंट ये लर्न होना चाहिए, एक तो कवि इसमें जो कविता है, पोएम है, उसका नाम पता होना चाहिए, और साथ में जो पोएटेस है, कवित्री है या पोएट है, कवि है, उसका नाम हमें पता होना चाहिए। तो हमने पोएम को शुरू की थी लव केम टू फ्लोरा और इनसाइकिस बावर, यहाँ तक हमने कंप्लीट की थी स्टूडेंट। तो इसकी जो नेक्स्ट लाइन है आज वो कंप्लीट करते हैं और इस पोएम को कंप्लीट करेंगे इसी के साथ। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसमें जो इस पोएम में जो वर्ड मीनिंग है उसकी हिंदी और वर्ड मीनिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वर्ड मीनिंग स्टूडेंट्स आप लोगों को आते हैं तो ये जो पोएम है आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाती है। तो सबसे पहले गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स होता है अत्यधिक अत्यधिक सुगंधित। अत्यधिक सुगंधित। नेक्स्ट एज द रोज, फिर उसके बाद स्टेटली, स्टेटली मीन्स होता है स्टूडेंट शानदार, शानदार। और नेक्स्ट प्राइड, प्राइड मीन्स होता है गर्व, गर्व महसूस करना। नेक्स्ट बट और व्हाट कलर, नेक्स्ट रोज रेड लव फर्स्ट चूज, चूज मीन्स होता है स्टूडेंट चुनना, चुनना, चूज करना। नेक्स्ट प्रेड, प्रेड मीन्स होती है प्रार्थना करना या फिर विनती करना, विनती करना या प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। नेक्स्ट प्रोवाइड, प्रोवाइड मीन्स देना या प्रदान करना। एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड एंड डाइड, डाइड मीन्स होता है रंगना। नेक्स्ट एंड लिली व्हाइट द क्वीन लिस्ट, अत्यधिक शानदार, अत्यधिक शानदार। और ब्लोज मीन्स होता है स्टूडेंट खिलना, खिलना। तो स्टूडेंट्स इस पोएम में सबसे पहले हमें वर्ड मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को वर्ड मीनिंग अच्छे से याद होते हैं तो इस ये जो पोएम है वो लर्न करने में काफ़ी इजी हो जाती है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें वर्ड मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए। और अब नेक्स्ट इस पोएम को सिंपली पहले रीड करते हैं, फिर इसको हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं इस पोएम को। तो सबसे पहले सिंपली इसको रीड करते हैं इस पोएम को। तो सबसे पहले गिव मी अ फ्लावर ग्लीसियस एज द रोज, नेक्स्ट एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, बट व्हाट कलर, क्वेश्चन मार्क आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट रोज रेड लव फर्स्ट चूज, देन प्रेड, नो लिली व्हाइट और बोथ प्रोवाइड। एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड डाइड, एंड लिली व्हाइट द क्वीन लिस्ट फ्लोवर दैट ब्लोज। तो अब इसको इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं स्टूडेंट। और सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इसके वर्ड मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि ये पोएम जब रीड करोगे आप लोग तो ये काफ़ी इजी हो जाएगी ये पोएम। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो गिव मी अ फ्लावर, फ्लावर, गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। कवित्री कहती है कि गर्व में जो, जैसा कि लिली, कुमुदनी, कुमुदनी का फूल होता है, लिली का जो फूल होता है
जो शानदार होता है, और गुलाब जैसा, और गुलाब जैसा अत्यधिक सुगंधित एक फूल मुझे देना, गिव मी, एक फूल मुझे देना। तो नेक्स्ट, फिर जो फ्लोरा होती है वो पूछती है कि फूल कौन सा, कौन से कलर का फूल आपको चाहिए। जो जो लव होता है, जो प्रेम के देवता होते हैं, तो फ्लोरा उनसे पूछती है कि कौन से कलर का आपको फूल चाहिए। तो बट और व्हाट कलर, कि कौन सा कलर, रोज रेड, लव फर्स्ट चूज, सबसे पहले जो प्रेम के देवता होते हैं, लव, लव मीन्स प्रेम के देवता, लव फर्स्ट चूज, तो प्रेम के देवता जो होते हैं उन्होंने सबसे पहले किसको चुना, रेड, ये जो रोज रेड है इसको चुना। फिर नेक्स्ट, देन प्रेड, फिर उन्होंने प्रार्थना की, देन प्रेड, उन्होंने फिर प्रार्थना की कि नो, नहीं, लिली वाइट, कि कैसा होना चाहिए, लिली वाइट होना चाहिए, जो सफ़ेद कुमुदनी का फूल होता है उस वैसा होना चाहिए, लिली कुमुदनी, ये जो लिली वाइट है कि सफ़ेद कुमुदनी होना चाहिए। उसके बाद और बोथ प्रोवाइड, या फूल, दोनों ही फूल मुझे दो, या दोनों ही फूल मुझे प्रदान करो। ये बात किसने कही स्टूडेंट, किसने कही, लव के जो देवता होते हैं उन्होंने फ्लोरा से ये बात कही। तो नेक्स्ट, अब बात आती है फ्लोरा की, तो एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और जो फ्लोरा होती है, जो वनस्पति या फिर फूलों की जो देवी होती है फ्लोरा, उसने जो प्रेम के देवता होते हैं उनको कैसा फूल दिया, एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और जो फ्लोरा है उसने कमल का फूल दिया। ओके स्टूडेंट, फ्लोरा ने कमल का फूल दिया। नेक्स्ट, रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट, और जो कैसा था, जो कैसा था स्टूडेंट, एक तो रोज रेड डाइड रंगा हुआ था, और जो कि लाल रंग से रंगा हुआ था, और लिली वाइट, और लिली वाइट भी था उसमें, सफेद कुमुदनी भी था, और जो कि सबसे ज्यादा अत्यधिक कैसा था, अत्यधिक शानदार था, अत्यधिक शानदार फूल था। क्विनलिस्ट मीन्स, क्विनलिस्ट फ्लावर मीन्स कि अत्यधिक शानदार फूल था, दैट ग्लोज, और जो कि चमक रहा था। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं इस पोएम को, दोबारा से रिकैप बताते हैं, दोबारा से बताता हूँ स्टूडेंट कि गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, कि गर्व में, जो गर्व होता है, घमंड में एक लिली जैसा फूल, जैसा शानदार फूल होना चाहिए, और गुलाब जैसा अत्यधिक सुगंधित एक फूल मुझे देना। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, इन दो लाइन की हिंदी क्लियर हुई स्टूडेंट, वेरी गुड। और नेक्स्ट, बट व्हाट कलर, कि कलर कौन सा, कौन सा कलर आपको चाहिए। जो फूलों की जो देवी है फ्लोरा, उन्होंने लव से, जो प्रेम के देवता है, उनसे पूछा कि आपको कैसा कलर चाहिए। तो उसने, उन्होंने क्या बताया कि रोज रेड, लव फर्स्ट चूज, जो प्रेम के देवता है उन्होंने सबसे पहले किसको चुना, रोज रेड को, गुलाब के फूल को चुना। एंड नेक्स्ट, देन प्रेड, और फिर उन्होंने प्रार्थना की, फिर उन्होंने प्रार्थना की कि नहीं, लिली वाइट कैसा होना चाहिए, लिली वाइट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, कि जैसा सफेद कुमुदनी है वैसा। फिर और बोथ प्रोवाइड, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों फूल मुझे देना। नेक्स्ट, एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और उसके बाद फ्लोरा ने कौन सा फूल दिया, कमल का फूल दिया। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और फिर फ्लोरा ने कमल का फूल उनको दिया, रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट, और कैसा था कि रोज रेड, लाल गुलाब जैसे कि रंगा हुआ था, और कैसा था साथ में, लिली वाइट था। एक तो रेड लाल रंग से, और एक वाइट से सफेद रंग से, जो ये दोनों ही फूल रंगे हुए थे, ठीक है। ऐसा फूल, ऐसा शानदार फूल फ्लोरा ने लव को दिया, कैसा, लोटस, जिसमें दोनों ही कलर
दिखाई देते थे. नेक्स्ट द क्वीनली फ्लावर दैट ग्लोज, और जो कि सबसे ज्यादा अत्यधिक शानदार दिखाई दे रहा था. एंड दैट ग्लोज, और वह चमक रहा था. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये आप लोगों की जो पोएम है, ये पोएम कंप्लीट हुई. और इस पोएम को आप घर पे रीड करना, इस पोएम को, इसके जो वर्ड मीनिंग है उसको रीड करना. और सबसे पहले पोएम का नाम हमें पता होना चाहिए कि पोएम कौन सी है, द लोटस है. और इसमें जो पोएटस है, जो कवित्री है, वो कौन सी है, तोरु दै. तो हमें नेम ऑफ द पोएट या पोएटस का नाम भी हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट. तो तोरु दैत इसका ध्यान में रखना स्टूडेंट. और ये पोएम कंप्लीट हुई स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट.